मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बुलाया। आपको बता दें कि विकास कार्यों को बंद करने की होड़ में कांग्रेस सरकार, ये बड़ी बात जयराम ठाकुर ने कही है। सरकार के पास समस्याओं को सुनने का समय नहीं है और सड़कों पर सस्ती लोकप्रियता के लिए स्टंट कर रही है सरकार। आपको यह भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 महीनों में 7 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है सरकार। तो मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को बंद करने की होड़ में है कांग्रेस सरकार। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार के पास समस्याओं को सुनने का समय नहीं है, सड़कों पर सस्ती लोकप्रियता के लिए स्टंट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि 7 महीनों में 7 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई ये सरकार। एक बात को लेकर के होड़ चली वहां कांग्रेस पार्टी में, जो भाजपा ने शुरू किया उसको बंद करो, और 7 महीने में एक ही कार्यक्रम रहा कि जो भाजपा ने शुरू किया उसको बंद करो। अरे अगर उसमें खामी है, उसको दुरुस्त करना है, उसको और बेहतर करना है, उसको करिए आप, लेकिन बंद करने समाधान है क्या? और आज ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में 11,000 से ज्यादा शिकायतें पड़ी हुई हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, उनका निवारण करने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री को लोग मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री कागज ले लेते हैं, बोलते हैं समाधान कुछ नहीं होता। उप मुख्यमंत्री के पास कुछ लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो काम नहीं है ये, मुख्यमंत्री को आप दीजिए। और इस तरह की एक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में, उनकी सारी चीजें जो है एक जगह रुक गई है, ठहर गई है। एक